नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। दतिया में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मानव श्रृंखला बनाकर सामाजिक संस्थाओं के साथ स्कूली बच्चों ने लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने नशा मुक्ति संदेश रथ को हरी झंडी देकर रवाना किया, जो ग्रामीण अंचलों में जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देगा। नशा मुक्ति के अभियान को आगे ले जाने के लिए कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने जन भागीदारी की अपील की और कहा कि इस अभियान को गांव-गांव तक ले जाया जाए। एसपी मयंक अवस्थी, न्याय विभाग के संचालक धनंजय मिश्रा समेत स्काउट गाइड के बच्चे भी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर मैं ये कहूंगा कि आप लोगों ने सुबह से यहां पर जो मानव श्रृंखला बनाई है और इस महती योजना में और समाज सुधार के इस यज्ञ में आप लोगों ने भाग लिया है और ये समाज को बहुत अच्छा संदेश देगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और विजय मिश्रा जी ने बहुत अच्छी शुरुआत करी है। इस प्रयास से नशा मुक्ति के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नशा नाश की निशानी है और तंबाकू से बहुत गंभीर बीमारियाँ होती हैं जिससे कई परिवार उजड़ जाते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से हम जनता में यह आह्वान करते हैं कि कोई भी नशे के चंगुल में ना फंसे, क्योंकि नशे के चंगुल में जाना बहुत आसान है लेकिन उससे निकलना लगभग असंभव रहता है। उसके लिए फिर हम लोग सभी प्रकार के व्यवस्थाएं करते हैं। हमने नशा मुक्ति केंद्र भी यहाँ पे दतिया में चलवाए हैं। धनंजय जी बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। यदि आप सभी में के घरों में कोई भी नशे की गिरफ्त में है तो आज वो दिन है कि आप सभी लोग प्रतिबद्ध हों, प्रतिज्ञा लें कि हम नशे से उनको मुक्त कराएंगे। यदि वो अपनी इच्छा शक्ति से उससे मुक्त हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं हो पा रहे उनको सहयोग की जरूरत है, संबल की आवश्यकता है, तो हम सभी उनकी मदद के लिए हैं। यहाँ पे अच्छे नशा मुक्ति केंद्र खुलवाए गए हैं। आप सभी हमसे संपर्क करें, प्रशासन संपर्क करें, धनंजय जी संपर्क करें, हम सभी मदद करेंगे और उनको चंगुल से बाहर निकालेंगे। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट, न्यूज़ आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहें न्यूज़ आज के साथ।